राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 दिसंबर यानी कि आज विपक्षी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की चौथी बैठक हुई है, जहां पर अपना दल सुभाषपा निषाद पार्टी के साथ सभी सहयोगी दल की सीटें तय की जाएगी। एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल चुनावी मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर भी शोषित वंचित रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के लोकसभा चुनाव में शिक्षा व्यवस्था में नया कानून लाने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि चुनाव में अहम मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरीके से साधने में लगे हैं। कि हम लोग उनको साधने में या समझाने में लगे हैं जो पूर्व की सरकारों में जो उपेक्षित लोग हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चार बार सरकार रही, सैफई एक गांव है, सैफई गांव का एक पुरवा है रणवीरपुर, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रणवीर यादव थे उनके नाम से वो पुरवा बनाया गया, उसका नाम रखा गया रणवीरपुर। रणवीरपुर नाम रखा गया और सैफई महोत्सव हुआ, चार बार सरकार थी सपा की, और उसका रिजल्ट देखिए, प्लास्टिक के दरवाजे लगे हैं, जो बोरिया होती है प्लास्टिक की उसके दरवाजे लगे हैं, पुआल के छत हैं, और जो कोई बहुत मजबूत हुए वो टीन का छत लगा करके उस पर पुआल रख करके लोग हैं। 100 घर हैं, हर पार्लियामेंट में 80,000 90,000 1-1 लाख तक वोट देते हैं,